श्लोक नंबर 41। इस श्लोक में दो बात बता रखी है, एक है निश्चयात्मक बुद्धि और एक है विवेक। निश्चयात्मक बुद्धि तो वह है भाई जिसमें हमारी स्थिर बुद्धि होगी, हमने सारी चीज धैर्य तो समझी, समझन पीछे हमने एक निश्चित करा, कृत निश्चय करा, जो कर हमने पिछले श्लोक में बताई। फिर कृत निश्चय करे पीछे हमने फैसला करा कि ईब मैंने के करना है, वह है निश्चयात्मक बुद्धि। और विवेक है अग भाई मैंने धैर्य तो वह चीज सुन भी ली, धारण भी कर ली, फिर विवेक भी आ गया और फिर मैंने वह निश्चयात्मक बुद्धि करके मैंने फैसला भी ले लिया। ईब इसमें इस श्लोक में यह बात बताई, अगर भाई तुम धर्म का आचरण करोगे और यह जो स्थिर और निश्चयात्मक बुद्धि है, या निश्चयात्मक बुद्धि तो है एक, और ईब कई बार हमारा मन जो है विचलित हो जा है, कई बार हमने सोचे यू कर लेंगे, कई बार हमने सोचे न्यू कर लेंगे, कई बार हमने सोचे जुकर अर्जुन सोचने लग रहा है अब भी मैं युद्ध करूँ अक नहीं करूँ, है मेरे सगे संबंधी मर जाओगे, मैं क्या करूँगा, मैं पाप का भागीदार हो जाऊँगा। तो उसका जो मन है वो इब चंचल है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि हुई नहीं, उसने धैर्य तय और संयम तय बात सोची नहीं, विवेक नहीं है। तो इस श्लोक में बताई अगर भाई तू बिना विवेक के फैसला लेगा तो घने मुखाला हुआ है, अनंत मुखों वाली बुद्धि होती है वो। और एक है निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि इसी है, अगर तू उसकी तरह तो कर्म आचरण करेगा तो फिर तेरी विजय प्राप्ति होगी। तो तने धैर्य के साथ व निश्चयात्मक बुद्धि के साथ फिर तने युद्ध करन खातर खड़े होना है।